मौलाना तारिक जमील, आबिदा परवीन, हुमायूं सईद और दीगर शख्सियात की खिदमत का एतराफ़। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम आज़ादी के मौके पर सिविल अवार्ड का ऐलान कर दिया। तमाम शख्सियात को अवार्ड 23 मार्च को दिए जाएंगे। अगस्त की मुनासबत से ऐवाने सदर में तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर मुमलिकत से सैयद अली गिलानी के लिए अवार्ड हुर्रियत रहनुमाओं ने वसूल किया। सैयद अली गिलानी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज आज़ादी के लिए बेमिसाल जिदोजहद पर दिया गया। सदर पाकिस्तान की जानिब से 24 शख्सियात के लिए सितारा शुजात, 27 के लिए सितारा इम्तियाज, जबकि 44 शख्सियात के लिए सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी का ऐलान किया गया। तमाम शख्सियात को अवार्ड 23 मार्च को दिए जाएंगे। मरहूम सादिकैन, अहमद फराज, डॉक्टर जमील जालबी समेत 6 शख्सियात के लिए निशाने इम्तियाज, जबकि अली बाबा के जैकमा को हिलाले कायदे आजम अता किया जाएगा। मौलाना तारिक जमील के लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, माया नाज सूफी गुलुकारा आबिदा परवीन के लिए निशाने इम्तियाज, जबकि बुशरा अंसारी और तलत हुसैन के लिए भी सितारा इम्तियाज का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब फारूक कैसर, नईम बुखारी और क्रिकेटर अब्दुल कादिर मरहूम के लिए भी सितारा इम्तियाज, जबकि सकीना समू और नेमत सरहदी, हुमायूं सईद, अली जफर, महजबीन कस लिबाश के लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर का जुर्माना बचाने और बैन अवी सतह पर मुल्क के बकार को बुलंद रखने वाली टीम के लिए भी आला सिविल अवार्ड सितारा इम्तियाज का ऐलान किया गया। मुल्क का नाम रोशन करने वाली इस टीम में ब्रिगेडियर राना इरफान, शकील रामे, लेफ्टिनेंट कर्नल फारूक शहबाज और अहमद इरफान असलम शामिल हैं।